भटनावर में कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी 125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़क, खबर पोहरी से आ रही है। पोहरी अनुभाग की ग्राम पंचायत भटनावर में पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही भटनावर चोपड़ा से दुल्हारा मार्ग तक करीब 800 मीटर लंबाई की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा डाली जा रही सीसी सड़क में गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिस कारण सीसी सड़क बनने के साथ ही जगह जगह से उखड़ती नजर आ रही है। सरपंच सहित ग्रामीणों द्वारा घटिया निर्माण की शिकायत करने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कमीशनखोरी के चलते ठेकेदार की इस मनमानी को आंख मूंद कर देखते नजर आ रहे हैं। यह आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भटनावर के ग्रामीण काफी समय से इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे थे, तब जाकर ये सड़क मंजूर हुई, लेकिन घटिया निर्माण के कारण इस सड़क के निर्माण के औचित्य पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सीसी सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा काली गिट्टी की जगह सफेद चूरा मिक्स गिट्टी मिलाई जा रही है, साथ ही घटिया क्वालिटी के सीमेंट का उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है, जिस कारण कुछ दिनों में ही सड़क उखड़ कर गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों से घटिया निर्माण की जांच कर ठेकेदार पर कार्यवाही करने की मांग की है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या ये अधिकारियों की अनदेखी में हो रहा है, क्या कुछ बात है कि ग्रामीण जनों को एकत्रित होकर काम को रुकवाना पड़ा? ग्रामीण जनों को एकत्रित होने का काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो ये रोड डल रही है उसमें ना तो सामान पूर्णतः उपयोग किया जा रहा है जो होना चाहिए। सीमेंट का मिश्रण भी अनुमानित जो होना चाहिए उससे भी आधे से भी आधा उपयोग नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो मशीनें यूज़ होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। तीसरी बात, काली गिट्टी का तो नाम ही नहीं है, बिल्कुल नाम ही नहीं। और हम ये चाहते हैं गांव की मुख्य रोड है तो ये इससे भी सबका ही नाम, गाँव का भी नाम प्लस हमारे प्रतिनिधि का नाम खराब होगा। और फिर मेन रोड है तो ये सब ये चाहते हैं कि लंबे समय तक चले, और गाँव के लिए सब ये है कि एक बार ये सौगात मिल गई, ये पता नहीं कब मिले। तो इस चक्कर में सब ये चाह रहे हैं अपने अंदर से ही, पूरे गांव वाले मिलके ये चाह रहे हैं कि ये काम हम गलत रोल डलने नहीं देंगे, गलत रोल डलने तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो सीसी सड़क की धांधली और जो गुणवत्ता में कमी है उसे लेकर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है इसमें? एक तो क्रेशर की डस्ट डाली जा रही है रेता की जगह, नदी की रेता की जगह, और एक वाइट गिट्टी 20, 40, 10 mm, 12 mm सब मिक्स डाली जा रही है, और सीमेंट भी बहुत कम डाली जा रही है, और पेवर का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, सेंसर पेवर का, और नीचे जो बेस बनाया है वो भी गुणवत्ता भी नहीं है, उसमें भी 2-3 गट्टे डाले गए हैं। और कैसी क्या रोड डल रही है इसमें? जो कोई कुछ हिसाब किताब नहीं है रोड का, जो डालनी है वो नहीं गिर रही, जो रोड गिरना है एक्चुअली जो रोड गिरते हैं विधिवत रूप से वो काम नहीं हो रहा है। सामान कैसा लग रहा है? सामान जो है सफेद की चीज डाली जा रही है वो उसमें 1-8 का मसाला डाल रखा है, क्या रोड है ये तो अपनी खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है। आपने ठेकेदार से कुछ कहा नहीं? हाँ, ठेकेदार से कहे तो वो हमें सुनवाई करेगा। कोई नहीं सुनना? कोई अधिकारी यहाँ आए? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। कार हो रहा है जिसे लेके आए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके द्वारा आपत्ति लगाई, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि 1,18,52,000 की ये सीसी रोड मंजूर हुई है चोपड़ा से लेकर वहाँ चौधरी वाले चक्की तक। तो लोगों का ये कहना है और हमारा भी, हम जो देख रहे हैं इसकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। इसमें अधिकतर लोगों का, गांव वालों का भी कहना है और हमारा भी, कि ब्लैक गिट्टी 20 इस्तेमाल नहीं हो रही है, दूसरा इसमें डस्ट का अधिक उपयोग हो रहा है, और तीसरा इसमें सीमेंट का भी कम उपयोग हो रहा है। तो इसके लिए हम सभी लोग अभी एकत्रित हुए थे वहाँ, मौके पर पहुंचकर हमने उस काम के लिए बंद करने का उनसे बोला है, और सेंसर पेवर से जो इसके लिए मंजूर हुई थी है ना, उस वो पेवर रखा हुआ है लेकिन वो उसे चला नहीं रहे, तो उसके लिए भी उनको बोला है कि आप सेंसर पेवर से डालिए, क्योंकि रोड एक बार गिरती है और गाँव का चूँकि ये मुख्य रोड है तो हम चाहते हैं कि ये रोड बेहतर हो और भविष्य में इसको जल्दी से जो खराब रोड की शिकायतें आती हैं वो भविष्य में न देखी जाए।